Hello students, so this is another video in which we are basically going to start a new chapter of your science book, that is chapter 6, and the chapter name is tissue. Okay, but before we start this chapter, we need to understand that in the previous chapter we have studied about the cell, and you know that each individual is basically all the living organism is made up of cell. Okay, and cell is the basic structural and the functional unit of the all living organism. Fine, so this much we have done in the previous videos, and we also looked about the various cell organelles, types of organism, okay, and the cell division. So in this chapter, the very basic question is going to be arise in your mind that, ma'am, what are tissues? But before we answer this, we need to understand that on the basis of the number of the cell, okay, on the basis of the number of the cell, we have categorized the organism in two broad categories. The first one is the unicellular. Now, what do you mean by unicellular? It's basically unicellular or the organism which are composed of the single cell. Theek hai? That means what? Ki ek single cell सारी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कैपेबल होती है. अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन. जस्ट एग्जांपल अमीबा. अमीबा क्या करता है? अमीबा इज लाइक अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो गैसेस एक्सचेंज भी करता है, फूड इनटेक भी करता है, सीडोपोडिया भी फॉर्म करता है. सीडोपोडिया इज द फॉल्स फीट. फाइन, एंड एक्सक्रीशन भी करता है. तो अ सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन. Coming to the next type, that is multicellular. So multicellular organisms are composed of the millions of cells, as you know. Okay students, now you also know that most of these cells are specialized to carry out the specific function, and that phenomena is termed as what? The process of differentiation. Students, if you do not know the process of differentiation or division of labor, so you can refer to the previous video in which I have explained you in detail about the differentiation. But for here, differentiation, student, is a process by which unspecialized structures become modified and specialized for performing the specific function. देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे differentiation is a process कि जिसमें cell is, देखो जब सेल डिवीजन से नई सेल्स बनती हैं तो सेल को एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाता है. ठीक है, जिससे सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करती है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट इन द डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर का मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, कोई काम, एंड डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा? काम को हम सेल्स में बांट देंगे कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल हमारे कार्डियक सेल्स है तो ये हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगी, ये ऑस्टियोसाइट से तो ये बोन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगी, एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो उसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, एंड दे ऑफन लूज द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन. जब एक बार सेल को एक काम असाइन कर दिया गया तो उसके बाद सेल कोई और फंक्शन को परफॉर्म वहाँ पे नहीं करेगी. फाइन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. सो इस स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सेल. वो हमने अभी आपको बताया, कार्डियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स. फाइन, अब एक अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिस लाइक डिफरेंशिएशन या डिवीजन ऑफ लेबर, तो अब इस प्रोसेस का कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा. देयर माइट बी सर्टेन एडवांटेज, दैट ओनली द रीजन दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय एडवांटेज? अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है बेसिकली? सो यहाँ पे सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. यहाँ पे सेल को हमने स्पेशलाइज कर दिया टू परफॉर्म अ प्रोवाइडेड एक्टिविटी. और देखो, जब किसी भी चीज़ का को किसी भी सेल को जब हम काम कैटेगराइज कर देंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ द वर्क इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स. ओके, सेल्स बिकेम मोर इफेक्टिव देन द अनस्पेशलाइज्ड वन, एंड दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन वेरी एफिशिएंसली. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन और द
division of labor. Okay, so students, as you know that in the human beings, if we talk about the human beings, in the human beings muscle cells contract and relax to cause the movement. ठीक है, अगर अब हमें अपने अगर मसल सेल्स के मूवमेंट को देखना है तो बेसिकली कैसे फंक्शन करती है, जस्ट द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन. वी हैव नर्व सेल्स, नर्व सेल्स बेसिकली कैरी आउट द मैसेजेस. हमें कोई भी स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल एक्शन जिससे हम एक्सटर्नल फोर्स जिससे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट एक्शन विल बी परफॉर्म बाय द मैसेज विल बी ट्रांसफर बाय द नर्व सेल. ठीक है, and basically blood which basically flows what transport oxygen hormones and all the waste materials. agar aapko pata hai to blood mein ek compound hota hai, that is known as a respiratory pigment and that is the hemoglobin. oxygen basically binds with the hemoglobin and transfer and this oxyhemoglobin transfer the oxygen to the remaining parts of the body. theek hai, pehle oxygen ko travel karke डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड देन दिस ब्लड टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेटेड और एक्सक्रीटेड बाय द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, उसको ला के फिर लंग्स में वापस से पोर करके वहाँ पर डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस भी होता है. फाइन, बट यहाँ पर हमें समझना है अबाउट टिश्यू. फाइन, सो वापस टॉपिक पर आते हैं. सो यू नो दैट इन द प्लांट, अगर अब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वैस्कुलर टिश्यूज आर देयर. वैस्कुलर टिश्यूज मीन्स वॉट, जाइलम एंड फ्लोएम. So what this xylem and phloem does, xylem helps in the conduction of water and phloem helps in the conduction of food and minerals. Fine, so this is the basic function of the xylem and the phloem. So now if we see the definition of the cell of the tissue, so a tissue is a group of the cell that are similar in structure and work together to achieve a particular function and forms a tissue. अब इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सी स्टूडेंट्स, टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जब ढेर सारे सेल्स क्लस्टर में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, तो दे बेसिकली फॉर्म्स अ टिश्यू. एंड अ टिश्यू हैविंग अ कॉमन स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड वर्क टुगेदर. अब देखो, जब कोई भी ग्रुप फॉर्म होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑल द एंटिटीज इंडिविजुअल वर्क नहीं करते, एक टीम वर्क को परफॉर्म करते हैं. द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर, दैट ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर हैविंग द कॉमन ओरिजिन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज व्हाट, टिश्यू. तो आई थिंक अब टिश्यू समझ में आया होगा, दैट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. Now students, you need to understand that tissue is a group of the cells, so the formation of tissue is impossible in the case of the unicellular organism. क्यों? क्योंकि unicellular में क्या, single cell present होता है, so वहाँ पे tissue का formation is literally impossible. So each specialized function in the body of the multicellular organism is performed by group of the cells arranged in a sequential cluster pattern, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, and that sequential cluster is termed as tissue. ठीक है, हमारे body में, plant body में every living organism which are multicellular having tissue. Fine. Now the next question. Now the question is that कि are the plants and the animal made up of सेम टाइप्स ऑफ दिस टिश्यू. क्या सारे प्लांट्स और एनिमल एक ही टाइप के टिश्यू के बनते हैं? सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट इज द प्लांट एंड एनिमल्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम प्रॉपर्टी. देखो, प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, बट देयर आर मैनी डिफरेंसेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस. ओके, द बॉडी ऑफ द टू इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म द very different function. कैसे? अब if we look at the plant, अगर हम plants की बात करते हैं तो plants do not able to move. ठीक है, plant move नहीं करते हैं, they are fixed, they are stationary. Plants are fixed and stationary, so they do not move. But if we talk about the animals, so animal do locomote,
एनिमल डू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इज दैट क्लियर? सो बेसिकली अगर प्लांट मूव नहीं कर रहे हैं तो प्लांट नीड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. क्यों सपोर्टिव टिश्यू? बिकॉज उसको अपने आप को एक प्रॉपर जगह पे अच्छे से स्टैंड करवाना है, अच्छे से उसको अपराइट पोजिशन में उसको स्टैंड करना है. एंड फॉर दैट प्लांट्स बेसिकली रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. एंड स्टूडेंट, दी सपोर्टिव टिश्यू इज बेसिकली कंपोज ऑफ द डेड सेल्स. देखो, अब डेड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है. एक्चुअली होगा क्या कि व्हेन अ सेल डिवाइड अ न्यू सेल फॉर्म एंड विद द कोर्स ऑफ द टाइम इफ द न्यू सेल लूजेस इट्स एक्टिविटी और सम सर्टेन सब्सटेंस इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल ऑफ द पर्टिकुलर सेल, तो वो उस सेल को डेड बना देती है. इसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली फॉर हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्लांट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सपोर्टिव टिश्यू इन ऑर्डर टू स्टैंड. अब अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल हैव द टेंडेंसी टू मूव, हैव द एबिलिटी टू लोकोमोट. लोकोमोट का मतलब होता है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑल्सो मूव इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ द मेट्स, इन सर्च ऑफ द शेल्टर, ठीक है? एंड दे आर नॉट अ स्टेशनरी, वो एक जगह पे नहीं होते हैं, फाइन? तो फॉर दिस ऑल दिस एक्टिविटी एक्चुअली एनिमल्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मेंटेनेंस, ठीक है? काम को परफॉर्म करने के लिए एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है यहाँ पे, और मेंटेनेंस भी. सेल का मेंटेनेंस, सेल जब डैमेज कर जाएगी, कभी इंजोर हो जाएगी, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके रिपेयर के लिए, फाइन? सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट द सेम. Although they both are the living organism, but they are not the same, and for that they are basically requiring different sorts of arrangement of the tissue to fulfill their different requirements. Okay, so if we see over here, the structural organization of the organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal and even in a very complex plant. ठीक, अब इसका मतलब क्या है? The structural organization of the organs and organ system. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले we need to understand that what is the organ. See, cell is the tiny building block. ठीक है, हम सब cell से बने हैं. Cell is the structural and the functional unit. Students, when cell group together, they form a tissue. ठीक है, तो होगा क्या? Cell होंगी पहले. सेल से क्या बनेगा? टिश्यू. एंड व्हेन टिश्यू कंबाइन टुगेदर दे बेसिकली फॉर्म्स अ ऑर्गन. ओके, एंड व्हेन दिस ऑर्गन कंबाइंस टुगेदर दे फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस ऑर्गन सिस्टम फाइनली फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म. तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है सेल से लेके एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन तक. एंड on the basis of the life mode, just like plants having a very sedentary life ka matlab hota they do not have the tendency to move from one place to another, and animals do have the tendency to do so, fine? So they basically require different types of organization of tissues based on their different characteristics, theek hai? So us basis pe we can able to differentiate between the plant tissue and the animal tissue. So student, this is the introductory part of your tissue in which we basically understand that what are tissue. Tissue is the group of the cell that having the similar origin, similar structure, and work together to perform a specific function. Okay, and we also understand that type of the tissue is basically dependent on the requirement of the living organism, and tissue only be formed in a multicellular organism jahan pe dher sare cells honge tabhi to cell ka group banega. In a single cell group to banna possible nahi hai. Okay, so this is the basic introductory video. Students, in the next very video we are basically going to cater the topic, that is type of the cell. Usme we can understand the different types of the cell, okay, and then the following subsequent lessons. So stay tuned, and if you have any doubt, you can ask in the comment section below.
Okay, thank you so much for watching this video. Have an awesome day.